डोब के हंगरी में चल रही एक मोटर रैली में एक शख्स ने बीच सड़क पर स्टंट करके सबको हैरान कर दिया। खूबसूरत सफेद सफारी फरारी कार पर सवार जोश नाम के शख्स ने कार को इतनी तेजी से गोल गोल घुमाया कि उसमें से धुआं निकलने लगा और कुछ ही देर के लिए ट्रैफिक थम गया। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी सी टेबल के सामने दर्जनों अफसरों के साथ बैठे दिखे। मौका 10 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का था, जिसमें कई जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को योगी ने फटकार लगाई। इस दौरान सीएम योगी अधिकारियों के साथ एक बड़ी सी टेबल के सामने बैठे, जबकि टेबल के दूसरी ओर बड़ी सी स्क्रीन लगी थी, जिस पर जिलों से अधिकारी सीधे सीएम से मुखातिब हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने शिकायतों का निस्तारण ठीक से न होने पर नाराजगी जताई। जन समस्याओं के प्रति जिस संवेदनशीलता का परिचय दिया जाना चाहिए था, उसका अभाव अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक पेपर लेकर बैठे थे, जिनमें कुछ प्रमुख शिकायतों का ब्यौरा था। इन शिकायतों को पढ़कर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत करनी शुरू की और बातचीत के दौरान अधिकारियों के गोलमोल जवाब पर उन्हें फटकार भी लगाई। इसकी तस्वीर दिखी आजमगढ़ जिले के अधिकारियों से बातचीत के दौरान, जहां के रहने वाले एक सेना के जवान की शिकायत पर सीएम ने जवाब तलब किया। एक सैनिक देश की सेवा कर रहा है और छोटी सी उसकी समस्या का निदान आपके थाना के स्तर पर नहीं हो पा रहा है। सीएम योगी के सवाल के जवाब में आजमगढ़ के एसपी ने सफाई दी कि नाली स्कूल की जमीन पर बनी है, जिस पर योगी ने उन्हें फटकारा। नाली किसी की नहीं होती है, नाली सार्वजनिक होती है, कोई दूसरा बहाना चल ही नहीं सकता इसमें। सभी 10 जिलों के अधिकारियों के साथ हुई इस सीधी बातचीत में मुख्यमंत्री ने कई अधिकारियों को डांटा और ठीक से काम करने की चेतावनी दी। क्योंकि यूपी में योगी सरकार आने के बाद भी अधिकारियों का रवैया बहुत ज्यादा नहीं बदला है और आम जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारियों की इसी ढिलाई की वजह से विपक्ष को भी सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। ऐसे में योगी सरकार छवि को लेकर बेहद सतर्क है। इसके लिए अधिकारियों से जवाब तलब करने के अलावा तबादलों का सिलसिला भी जारी है। इस कड़ी में 25 और सीनियर आईएएस अफसरों को इधर से उधर कर दिया गया, लेकिन यूपी सरकार की छवि बदलने की कवायद पर सिर्फ अधिकारियों का रवैया ही नहीं, बल्कि अपने ही साथियों की बयानबाजी भी भारी पड़ रही है। ताज़ा बयान सूबे के मंत्री एसपी सिंह बघेल का सामने आया। अपराध होते रहे, हो रहे, होंगे, अपराध के तमाम कारण। यूपी में योगी सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही सबसे ज्यादा विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में योगी कैबिनेट के मंत्री का ये बयान विपक्ष को हमलों का नया मौका देने के लिए काफी है।